गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास हमने टैक्सेबल अलाउंसेस में कुछ कुछ एग्जेम्पशंस था वो देख लिया था, और ये खाली ओल्ड टैक्स रिटर्न वाले को मिलेगा, नए वाले को नहीं मिलेगा। आइए, हमने आपको वीआरएस का एग्जेम्पशन लिमिट्स भी बताया था। लेट अस डू वन एग्जाम्पल ऑन वीआरएस। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन का एक एग्जाम्पल करा देता हूं मैं आपको, ठीक है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ₹7 लाख आफ्टर 30 ईयर्स फोर मंथ्स ऑफ सर्विस। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका बेसिक था ₹20,000 महीना, डियरनेस अलाउंस था ₹5,000 महीना। ठीक है, 6 ईयर्स ऑफ सर्विस इज लेफ्ट। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट क्विकली मैं अगर आपको दिखाऊं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 7 लाख, सात लाख, मैक्सिमम 5 लाख। 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड इयर्स, ठीक है ना? हाँ? So, 1 महीने का सैलरी में बेसिक और डी आएगा, कुछ नहीं बोले तो डी इज फॉर्मिंग पार्ट, तो 20 और 5 25 हो गया। 25 × 3 महीना करेंगे तो 75,000, 75 × 30 पार्ट दे रहा, तो वैसे भी इग्नोर होता है, और 4 महीने है तो वैसे भी लेस देन 6 मंथ्स है, तो ऐसे ही इग्नोर्ड हो जाएगा। रिट्रेंचमेंट में पार्ट देयर ऑफ है, इसमें नहीं है, इसमें कंप्लीटेड ईयर है। लास्ट ऑन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। लास्ट ऑन सैलरी 25,000 है, 6 साल मतलब कितना महीना बाकी है, 72 मंथ्स बाकी है। इन तीनों में लीस्ट 5 लाख आएगा, टैक्सेबल हमारा 2 लाख। खाली आपको ये एग्जेम्पशंस का लिस्ट मालूम होना चाहिए किसमें क्या है, तो जब तक आप पीस ऑफ पेपर में बना के इसको दीवार में नहीं चिपकाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा, राइट? आइए सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट।
वीआरसी रिसीव्ड 7 लाख, लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 7 लाख, एक महीने का सैलरी 25 इंटू 3 मंथ और 30 ईयर्स, ठीक है ना। 3 मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना आएगा? 25,000 है इंटू 6 साल का 12 महीना करके एक साल में, तो 72 मंथ्स होगा। हाँ या ना? कितना आएगा बोल भाई? 18 लाख। आ गया टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रोविडेंट फंड का। अगर आप देखेंगे क्विकली, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो है ना एनुअल कंट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट एंड अबव, ठीक है। सो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? बेसिकली इट्स अ सेविंग स्कीम जहां पे मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूं और मेरा मालिक भी कंट्रीब्यूट करता है, राइट। हम दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड अल्टीमेटली मेरा जब मैच्योरिटी होता है मेरे को पूरा पैसा मिलता है, राइट। अब बहुत सारे एम्प्लॉय क्या होते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं खुद का खाली कंट्रीब्यूशन। आज मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, तो मेरा एम्प्लॉयर तो कोई, मैं खुद ही अपने लिए एम्प्लॉयर हूं, तो इन दैट केस मेरे लिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं है। प्रोविडेंट फंड वो होता है जहां पे दोनों कंट्रीब्यूट करें,
जहां पे एक बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको अपने बोलेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। सो गिव द हेडिंग, इसका भी एक चार्ट है, मैं पहले आपको चार्ट दिखा दूंगा उसके बाद अपन बात करेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास आपको बोला था क्वेश्चन करवाऊंगा, इट इसका करवा दिया। इसमें आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ये एक स्कीम है टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एवरी मंथ अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इज डिडक्टेड, हर महीना एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम एम्प्लॉई सैलरी टूवर्ड्स हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ हिज पॉकेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसको इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज में, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, आर इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, इंटरेस्ट अर्नड इज क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। क्लियर। तो जो मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा एक्यूमुलेटेड बैलेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बताओ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल सा फंड है ना, हमने एक फंड बनाया उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तुम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो एक्यूमुलेटेड फंड है उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, हाँ, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन,
नाउ टेक्निकली स्पीकिंग बताना इसमें से मेरा इनकम क्या क्या है। देखो मालिक ये अपना पॉकेट से दे रहा है तो ये मेरे लिए इनकम हुआ। अब मुद्दा क्या है, इसको टैक्स कब करेंगे? या तो जब कंट्रीब्यूट हुआ उसी साल, या जब मैच्योरिटी में इकट्ठा मिला उस साल। दोनों टाइम नहीं हो सकता टैक्सिंग। आइदर टैक्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और मच्योरिटी। ये मेरे लिए इनकम नहीं है क्योंकि मैं अपने सैलरी से दिया हूं, मैंने कमाया उसको मैंने सेव किया है, वो प्रिंसिपल पैसा मेरे को वापस मिल रहा है। ठीक है ऑनलाइन। तो ये तो ना तो मेरा कमाई है, ये जस्ट अ रिटर्न ऑफ माय प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये इनकम है। इसका भी वही, आइदर टैक्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है अकाउंट में चढ़ते जा रहा है ना। एफडी जब करते हो आप लोग, एफडी करते हो, एफडी में क्या होता है बताना थोड़ा, व्हाट डज एफडी मीन? आपने आज सम इन्वेस्ट किया 10,000, 5 साल बाद आपको मिलेगा 15,000। कैसे? इसमें 900 इंटरेस्ट आया, अभी अगले साल 10,900 इन्वेस्ट होगा, 1,100 आएगा, इस तरीके से इंटरेस्ट आएगा हर साल। तो हम लोग इसका दो टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं, या तो हर साल जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है आपके फंड अकाउंट में उसी साल आप उसको इनकम कंसीडर कर लीजिए, या एंटायर मैच्योरिटी में जब पैसा मिलेगा पूरा 5,000 को इंटरेस्ट कंसीडर करिए। जनरली लोग, फायदा का फर्क नहीं पड़ता, जनरली लोग इसको फॉलो करते हैं। क्योंकि हर साल इंटरेस्ट निकालने का झमेला, पहला साल का इंटरेस्ट गलत निकला तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी गलत निकलेगा, समझ रहे हैं? या तो आप हर साल टैक्सिंग कर लीजिए, या आप मैच्योरिटी में एक साथ टैक्स करिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो कहने का मतलब है इसका भी वही हाल होगा, ये वाला भी इनकम है, मेरा इन्वेस्टमेंट पे जो मैं कमा रहा हूं तो इनकम है ही ना। अब इसका टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा उसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है हाँ, तो इसमें सरकार कुछ कुछ फायदा देती है, अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड,
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, बेसिकली दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कहीं पे भी आप जमा नहीं कर सकते, फ्रॉड भी हो सकता है ना। तो जनरली ये आपका प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है ना, उसके तहत ये रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, राइट? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इस एक्ट के तहत ये फंड रिकॉग्नाइज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। इसको बोलेंगे अपने नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट, राइट, रेलवेज एक्सेट्रा, सेमी गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब का। ओपन टू ऑल इंडिविजुअल, सैलरीड वाला भी अगर चाहे वो भी इसमें जमा कर सकता है, कोई भी कमर्स कर सकता है। ये जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बनाया गया है। तो सैलरीड एम्प्लॉय अगर चाहे तो वो इन एडिशन टू दिस, रिकॉग्नाइज वाला तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा वो चाहे तो इसमें भी जमा कर सकता है। इसमें अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है, पहला बात तो ये सैलरी का पार्ट नहीं है, इसको सैलरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने इनकम से खुद सेल्फ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसमें मेरा मालिक का कोई योगदान नहीं है। तो हम लोग का एक होता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था कि काफी सारा चीज ऐसा होता है गवर्नमेंट सेविंग्स को प्रमोट करती है। अगर आप सेव कर रहे हैं, या आप डोनेशन कर रहे हैं, या आप कोई एडुकेशनल लोन लिए उसका इंटरेस्ट है, कोई हाउसिंग लोन लिए उसका रकम चुका रहे हैं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिए हैं, किसी
किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप चंदा दिए हैं, तो इस टाइप का चीज गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है। मैंने बताया ना, मैंने 5 लाख रुपए कमाया, उसको ऐसे हवा में उड़ा दिया, गरीबों में बांट दिया, क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, पूरा 5 लाख पे देना पड़ेगा। वही अगर मैंने 5 लाख कमाया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया, नेशनल डिफेंस फंड में दे दिया, राइट? नहीं लगेगा, सर्टिफिकेट देता है सामने वाला तुमको। हाँ, तो जो भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, या आप 80C में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारा सेविंग्स होता है, प्रोविडेंट फंड में आप मिनिमम 500, मैक्सिमम आप 1.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते किसी भी साल में। तो 80C का अपना मैक्सिमम लिमिट भी 1.5 लाख का है, 80C का भी अपना खुद का मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख का है। इस 80C में खाली यही नहीं आता, आपने जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया वो भी आएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट किया वो भी आएगा, आपने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड है, अगर आप इन सब जगहों पे सेविंग कर रहे हैं, इन सब का मिला के 1.5 लाख लिमिट है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 1.5 लाख से ज्यादा जमा भी नहीं कर सकते। तो लोग अपना टैक्स का प्लानिंग करते हैं, चलो मेरा प्रीमियम 40,000 रुपये जा रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने अपने लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, मालिक मेरा सैलरी से 3,000 रुपया करके काट रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, मालिक भी अपना शेयर जमा कर रहा है, तो मेरा अपना जो शेयर है वो मेरे लिए सेविंग्स है, तो वो मेरा 80C में आएगा, तो 3,000 × 12 36,000 और हो गया, और म्यूचुअल फंड कुछ कुछ स्पेसिफाइड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में जमा करना पड़ता है, एफडी कराया, टैक्स सेविंग वाला एफडी कराया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट, ये सब सेविंग्स अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है, ITC का शेयर ले लिया, गवर्नमेंट नहीं मानेगी, ये जो भी आप कर रहे हैं ना, राइट, इससे गवर्नमेंट को फायदा है। राइट, स्मॉल 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 ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन जो करते हैं ना हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इधर में उधर में, गवर्नमेंट को फायदा है। तो गवर्नमेंट इसलिए बेनिफिट्स दे रही है, बोला आप इन सब जगह में इन्वेस्ट करिए, राइट? ATC का खुद का अपना लिमिट 1.5 लाख है, मतलब अगर PPF कर दिया तो और कुछ करने का दरकार नहीं है, तो कुछ LIC में कर दिया, कुछ PPF में कर दिया, कुछ मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, म्यूचुअल फंड कर लिया, तो लोग अपना 1.5 लाख का प्लानिंग करते हैं। जैसे मैं पिछले 5 साल से अपना 80C का प्लानिंग नहीं किया हूं, क्यों मालूम है? क्योंकि 2 करोड़ का लोन है मेरे सर पे, घर का 2 करोड़ का लोन का किस्ती हम देते हैं साल में 18 लाख रुपया, उस 18 लाख किस्ती में प्रिंसिपल पार्ट भी है, इंटरेस्ट पार्ट भी है,
इंटरेस्ट पार्ट का डिडक्शन मैं क्लेम कर रहा हूं कहां पे? हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लेस अंडर सेक्शन 24B। हाँ, और जो प्रिंसिपल पार्ट है हाँ? नहीं, जो प्रिंसिपल पार्ट है वो मैं यहां एटीसी में क्लेम कर रहा हूं, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो इसलिए मैंने पिछले 5 साल में कोई म्यूचुअल फंड, कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कोई एफडी टैक्स सेविंग वाला नहीं करवाया है, क्योंकि मेरा एटीसी का प्लानिंग हो गया है। प्लानिंग होने के बावजूद भी लोग अपना सेविंग करने के लिए करते हैं, बट मेरा तो सारा पैसा ईएमआई देने में ही चला जा रहा है। जब जब आप लोन लेंगे ना, रुके मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरे पास होगा यहाँ पे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना। जो भी हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं राइट, उसमें जो ईएमआई देते हैं उसमें दो कॉम्पोनेंट होता है, हाउसिंग लोन का ईएमआई का दो कॉम्पोनेंट होता है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल पार्ट, कुछ कुछ रिपे होता रहता है राइट, दैट्स अ ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट वही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आप इंटरेस्ट पोर्शन होता है ना, वो आप उस घर पे रह रहे हो, लोन में लिया आपने, हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का राइट। और जो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ हाउसिंग लोन है वो आपको इधर मिल जाएगा एटीसी में। तो पिछले 5 सालों से मैंने, जो मैं आपको अभी कही कि मैं 5 सालों से एटीसी का प्लानिंग ही नहीं किया हूं, सो हियर इज माय इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो मेरे को आपको दिखाना था। हम लोग जब रियल लाइफ में काम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं दोस्त राइट। तो ये हमारा सर्टिफिकेट है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने हमको दिया है। ये मेरा लोन है 1,15,00,000 रुपए का, ये एक लोन है। ये मेरा हर महीना मैंने इंस्टॉलमेंट दिया है, ये बीच में मैंने प्रीपेमेंट किया था तो पूरा प्रिंसिपल कम हुआ है, ये भी मैंने एक प्रीपेमेंट किया है राइट। सो मुद्दा वो नहीं है, देखिए 4,21,112 का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है ये, है ना? ये देखिए, चार लाख 21,112 जो भी कितना है, 122 है सॉरी, और एटीसी में आपको प्रिंसिपल का मिल जाएगा। प्रिंसिपल तो मेरा बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने प्रीपेमेंट किया है, गॉट इट? अब मैंने ये प्रॉपर्टी को ओनरशिप में ली है, देखो अंकित पटवारी, प्राची पटवारी। तो दोस्त इसका 50% मैं क्लेम करूंगा, 50% मेरी वाइफ क्लेम करेगी। तो अंकित पटवारी का जब एचपी इनकम कैलकुलेट हो रहा है, एनएबी निल लेस 24B में दो लाख और एटीसी में अंकित पटवारी 1.5 लाख क्लेम कर रहा है, तो घर लेने से देखो 3.5 लाख रुपया का बेनिफिट सरकार मेरे को दे रही है। मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूं, 30% टैक्स ब्रैकेट,
तो 3.5 लाख का 30% कितना होता है? 1,05,000। और हम कहते हैं सरकार हमें बेनिफिट नहीं देती है। कौन कहता है ये बेनिफिट नहीं है तो क्या है? मेरा 1,05,000 का टैक्स बच रहा है, साढ़े 3 लाख का मैंने ये इधर में लॉस क्लेम किया और इधर में प्रिंसिपल अमाउंट को डिडक्ट किया। तो कहने का मतलब है मेरा टैक्स बच रहा है ना, तो जो मेरा टैक्स बच रहा है अल्टीमेटली मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट इसका मतलब कम हो जाएगा। तो घर लेना फायदेमंद होता है, नुकसान का सौदा नहीं है। प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन अलग से हो रहा है। ये सेम बेनिफिट मैं अपनी वाइफ के फाइल में भी ले रहा हूं, प्राची, शी इज ऑल्सो अंडर 30% टैक्स ब्रैकेट। यहां 2 लाख का लॉस, फिर 80C भी क्लेम कर रहा हूं मैं। अगेन 3.5 लाख का बेनिफिट। ₹7 लाख का बेनिफिट ले लिया हम लोग दोनों जन मिलके, उसका 30% करो, 2,10,000 का टैक्स बच गया हमारा। हम लोग दोनों 30% टैक्स ब्रैकेट में, हमारा इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अगर मेरा ये नहीं होता तो मेरा टैक्स लगता ना। तो पेमेंट ऑफ ईएमआई इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ टैक्स सेविंग मैकेनिज्म। ये लाइव एग्जांपल है, हालांकि इसमें मेरे को अपना फाइनेंशियल शेयर करना पड़ा, बट दिस इज लाइव। प्रिंसिपल कम हुआ ना, बड़ा कहां? गॉट इट? सो हम लोग कहां थे देखो, प्रोविडेंट फंड में थे, कहां चले गए? टैक्स इतना इंटरेस्टिंग है तुम सोच भी नहीं सकते हो। राइट चलिए, सो अभी मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या करना है अपन को। टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है? पर्टिकुलर्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
है। सबसे पहला एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या है? टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। बारह परसेंट से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट होगा तो वो आपको उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? या तो मैच्योरिटी में टैक्स होगा या जस्ट मेरे लिए इनकम है। पहला बात, इसका अल्टीमेटली मैच्योरिटी में ये पैसा किसको मिलने वाला है? इनकम है तो ये मेरा इनकम है। या तो सरकार कॉन्ट्रीब्यूशन के वक्त टैक्स करेगी इसको या मैच्योरिटी के वक्त इसको टैक्स करेगी। तो सरकार रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में कॉन्ट्रीब्यूशन के वक्त ही टैक्स कर रही है इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। और यहां पे सैलरी का मीनिंग वही है, सेम एज ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड। राइट, यहां पे बोलता है नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। मैच्योरिटी में टैक्स लूंगा मैं। मैंने बोला ना टैक्सेबल तो है, ये इनकम है मेरा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ना अभी टैक्स लगेगा ना बाद में लगेगा। और इधर तो नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि मैं खुद ही कंट्रीब्यूट करता हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, कोई और कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ठीक है। डिडक्शन मिलेगा 80C में, मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, राइट और नो? ये वाला नॉट एलिजिबल है। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम लोग को मैंने ये सब चीज पहले बता दिया है, ओनली अवेलेबल टू, ओनली अवेलेबल टू क्या बताओ? बताया तुमको? एसएससी ऑप्टिंग फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइन। बेटा नए वाले में क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स कम है इसलिए वहां पे कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं है। इन शॉर्ट कुछ कुछ ऐसे जो दोनों में है, बट 80C का डिडक्शंस नए टैक्स रिजाइन में नहीं मिलेगा। सैलरी वाला डिडक्शन दोनों में है, 50,000 वाला, लेकिन ये जो 80C वाला डिडक्शन है ये नए टैक्स रिजाइम में नहीं है, खाली ओल्ड वाले को है।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, ये भी इनकम है मेरे लिए, आया ना। टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 9.5%, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। मतलब मैच्योरिटी में टैक्स लूंगा। फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉट एप्लीकेबल। मेरा ही कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा यहां पे। डन। ये भी इनकम है, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल होगा। नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट, बताऊंगा मैं बाद में। और ये हमारा फुली एग्जेम्प्टेड है, सेक्शन 10 देख लीजिएगा जाके, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ।
ठीक है, अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट ठीक है। अब ये तो कंट्रीब्यूशन के वक्त टैक्सेबल हो गया, इसका सारा चीज हिसाब से देखा जाए तो है ना। तो मैच्योरिटी वाला फिगर एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, इसका नीचे नोट वन में बताऊंगा। इसका मैच्योरिटी एग्जेम्प्टेड है, इसका मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्टेड है फुल्ली फुल्ली। ठीक है, नोट वन मैच्योरिटी प्रोसीड्स फ्रॉम यूआरपीएफ, क्या क्या मिलेगा? एक्यूमुलेटेड बैलेंस बताया था मैंने ना, एक्यूमुलेटेड बैलेंस को हथौड़ा मार के ब्रेक करो हैमर से, हैमर्ड। तो क्या क्या निकलेगा? वाह वाह वाह, वाह। ये दोनों इनकम फ्रॉम सैलरीज होगा, ये तो मेरा पैसा ही वापस मिल रहा है, नॉट टैक्सेबल। और ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। एग्जेम्प्ट अप टू सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है।
ठीक है। क्लियर। अब नोट टू, मैच्योरिटी प्रोसीड्स फ्रॉम आरपीएफ। मैंने क्या बोला? एग्जेम्प्ट है ना, प्रोवाइडेड एम्प्लॉई हैज रेंडर्ड अ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। एम्प्लॉई हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर आंसर नो है तब हम लोग फिर नेक्स्ट बॉक्स चेक करेंगे। एग्जेम्प्ट इफ टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉई। मैं बीमार पड़ गया, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, राइट? मैं बीमार पड़ गया, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, ये सब चीज में तो मेरा हाथ नहीं है ना सर। अगर ये भी नहीं है तो ना ही मैंने 5 साल का सर्विस दिया, नहीं ये सब कारण है। तो हो सकता है वो जॉब चेंज किया होगा, हाँ? जॉब चेंज किया होगा ना। बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू आरपीएफ मेंटेन्ड विथ न्यू एम्प्लॉयर। ऐसा हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? अगर आंसर नो है तो टैक्सेबल हो जाएगा। या मान लो अगर जॉब चेंज का केस नहीं है तो बैलेंस को आप नेशनल पेंशन स्कीम में डाल सकते हैं।
एनपीएस अकाउंट, अगर इसका आंसर भी नो है तो टैक्सेबल हो जाएगा। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। पांच साल का सर्विस किया तुमने, हाँ एग्जेम्प्ट। पांच साल का सर्विस नहीं किया, क्यों नहीं किया? बीमार पड़ गए थे ना, मालिक अपना बिजनेस बंद कर दिया ना, क्या कारण है? तुम्हारे कंट्रोल में था कि नहीं? हाँ मेरे कंट्रोल में नहीं था, एग्जेम्प्ट। अगर पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो देखो जॉब चेंज है कि रिटायर। बहुत जन क्या करता है, नौकरी छोड़ देता है ऐसा को। अगर ये चार केस है तो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो टैक्सेबल। क्रेडिट ऑफ फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू आरपीएफ मेंटेन्ड विद न्यू एम्प्लॉयर, मतलब पुराना एम्प्लॉयर के पास में जो मेरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पड़ा है, वो पैसा को हमने नए एम्प्लॉयर के पास में जो मेरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें डाल दिया है। मतलब कहने का मतलब, बीच में तुम नहीं ले सकता पैसा। पैसा बेसिकली रिटायरमेंट में मिलेगा या 5 साल कंप्लीट होने पे मिलेगा, बीच में तुम नहीं ले सकता। ठीक है, अब मान लो यहां मैंने 2 साल किया पुराने एम्प्लॉयर के पास, तो 5 साल तो हुआ नहीं, तो जो भी पैसा प्रोविडेंट फंड खाते में पड़ा हुआ है उसको मैंने नए वाले के साथ डाल दिया, और नए वाले के पास मैंने 4 साल काम किया, तो 5 साल जब नए वाले के केस में कैलकुलेट होगा तो पुराना वाला 2 को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि वो भी क्योंकि उसका पैसा तो यहां डाल दिया, सही है ना? अब मान लो अगर टैक्सेबल होगा, मैच्योरिटी टैक्सेबल हो गया, मैच्योरिटी यूजुअली एग्जेम्प्ट होना चाहिए क्योंकि कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट था, मैच्योरिटी वगैरह सब एग्जेम्प्ट है। यहां कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल था, मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट था, प्रोवाइडेड 5 इयर्स ऑफ सर्विस। अब मान लो मैच्योरिटी टैक्सेबल हो गया तो कैसे टैक्स करेंगे? यूआरपीएफ की तरह। तो सर यूआरएफपी की तरह टैक्स करेंगे, इनकम इनकम बहुत नाइंसाफी है, 2 बार टैक्स ले रहे हैं आप। तो बोले काम करते हैं, मान लेते हैं तुमने जो टैक्स दिया, बैक जाओ बैक जाओ, इसको हटा दो टैक्सेबल इनकम से, तो टैक्स निकालो। इसको हटा दूंगा, ये तो टैक्सेबल था ना कंट्रीब्यूशन के वक्त, तो पुराने सालों में अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा टैक्स अमाउंट कम हो जाएगा, तो उससे मेरे को मालूम चल जाएगा इस इनकम के कारण मैंने कितना टैक्स दिया।
इस साल जब ये टैक्सेबल हो रहा है तो मेरे को मालूम चल जाएगा इस इनकम के कारण मेरा कितना टैक्स बढ़ा, तो वहां एडिशनल टैक्स, यहां का एडिशनल टैक्स, दोनों का डिफरेंस इन टैक्स हम पे करेंगे। एग्जाम्पल टैक्स लेबिलिटी नहीं है तुम्हारे करिकुलम में, बाद में आएगा। सिंपल सा सोचो, ये जो अभी टैक्स हो रहा है इस पे तो ऑलरेडी तुम टैक्स दे चुका है पास्ट में, तो पास्ट ईयर का इनकम को रिकैलकुलेट करो तो तुमको मालूम चल जाएगा इस इनकम का तुमने पास्ट में कितना टैक्स दिया, उसका टोटल कर लो। तीन चार साल का ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि पांच साल होते तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा वैसे भी। तो तीन चार साल पुराना, तीन चार साल का जितना टैक्स हुआ है इस इनकम के कारण उसको जोड़ लो, और इधर में कितना टैक्स एक्स्ट्रा आ रहा है इस इनकम के टैक्सेबल के कारण, दोनों का डिफरेंस ही डिफरेंस इन टैक्स। पुराने सालों में मानो, पुराने सालों में क्या मानना है, क्यों ये आरपीएफ नहीं है यूआरपीएफ है, तो पुराने सालों में ये नॉन टैक्सेबल है, तो पुराने सालों का टैक्स वापस से कैलकुलेट होगा, है ना? तो पुराने सालों में टैक्स का बचत होगा ना, टैक्स कम पेबल दिखाएगा, तो वो डिफरेंस मालूम चल जाएगा कितना टैक्स मैंने ऑलरेडी दे दिया। और अभी जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो मेरे को मालूम चल जाएगा इसके कारण मेरा कितना टैक्स एक्स्ट्रा आया, तो डिफरेंस इन टैक्स मैं पेमेंट करूंगा, राइट? यूआरपीएफ बट डिफरेंस इन टैक्स। आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। राइट नाउ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर 23-24 का डिटेल दिया हुआ है, बेसिक 10,000 महीना, डीए 50% फॉर्मिंग पार्ट 8,000 महीना, कमीशन 0.1%, ब्रैकेट में टर्नओवर दे देता हूं, पचास लाख, बोनस 40, ये हाथों हाथ टैक्सेबल होगा। ग्रेच्युटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हाथों हाथ टैक्सेबल होगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। His own contribution to RPF. RPF में मैं 20,000 जमा कर रहा हूं, employer contribution to RPF 20% of basic salary, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट 13% पर एनम किया तो
13,000 आया। डी ए 50% फॉर्मिंग पार्ट, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये फुल फ्लेटेड सम है तो कैसे करना मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो पहले टैक्स ट्रीटमेंट पता कर लेते हैं। टैक्सेबल, टैक्सेबल 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 नॉट एन इनकम, 12% से ज्यादा अगर होगा तो टैक्सेबल, और 9.5% से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल। ये टैक्सेबल इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है, दोनों का सेम है, दोनों पे तो एग्जेम्पशन सेम है ना। हाँ पूरा दोनों का कंट्रीब्यूशन का मिला के जो इंटरेस्ट हो रहा है 13% के हिसाब से 13,000। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, राइट, बेसिक पूरा टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं है। ये भी पूरा टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं है। 50% फॉर्मिंग पार्ट एग्जेम्पशन के वक्त यूज होगा, राइट। टैक्सेबल तो पूरा ही होगा, पांच हजार चालीस, ग्रेच्युटी 25,
एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नॉट एन इनकम, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 20% ऑफ बेसिक, लेकिन एग्जेम्पशन में सैलरी का मीनिंग अलग है। प्लस कमीशन परसेंटेज वाला, लेस एग्जेम्प्टेड जो मैं करूंगा बेसिक प्लस 96,000 का 50%, समझा कितना आ रहा है 173 का 12% करो, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन परसेंटेज वाला, इसका 12% विल बी एग्जेम्प्टेड। ना ना 2076 आएगा, देखो कमीशन ना बेसिक डीए कमीशन 2076 तो 3240 टैक्सेबल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड 13,000 है, लेस एग्जेम्प्टेड 13,000 13% है, 9.5 तक एग्जेम्प्ट होगा। बोलो 292740 शायद, ये एग्जेम्पशन मेन है, इसका ये पार्ट मेन है। बेसिक 120, ₹48,000 लेंगे, ठीक है? हाँ, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे।
नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।